क्या कहलाता है, मैं अभिमन्यु और अक्षरा का प्रेगनेंसी ट्रैक हमें देखने को मिलने वाला है, ये तो मैंने आपको बताया। और बहुत ही जल्द स्टार प्लस की एक प्रोमो के जरिए वो आप तक भी पहुंचने वाला है। साथ ही साथ इस प्रेगनेंसी ट्रैक के साथ साइमल्टेनियसली एक और ट्रैक भी आपको चलता हुआ देखने को मिलने वाला है, जो होगा अभिमन्यु और अक्षरा का सेपरेशन ट्रैक। जी हाँ, जहां पर कोई ना कोई तो होना चाहिए जिसको प्रैक्टिकलिटी को अपने ध्यान में रखे, इमोशंस को साइड में रखे डिसीजन लेने होंगे। और हमारे अभिमन्यु और अक्षरा में अभिमन्यु वो है जिनको इमोशंस साइड में रखने पड़ेंगे और प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि अक्षरा की प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस किस हद तक जा सकते हैं इस बात का अभिमन्यु को अंदाजा लग चुका है। और जिस तरह हम सब घबरा रहे थे कि आखिरकार कि अक्षरा अगर प्रेग्नेंट हो गई तो उनके कॉम्प्लिकेशंस की बात जो डॉक्टर ने अभिमन्यु तक पहुंचाई है, कहीं अगर वो सच हो गई तो अक्षरा की जान पर बड़ा खतरा मंडरा सकता है। अब यही डर अभिमन्यु को भी सताता नजर आने वाला है जब वो देखेंगे कि अक्षरा हो चुकी है प्रेग्नेंट। तो अब जिस तरह से अक्षरा अपनी खुशी को जाहिर करती नजर आने वाली है अभिमन्यु के सामने, लेकिन अभिमन्यु की आंखों में होंगे आंसू, क्योंकि अभिमन्यु को वो सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा होगा जो कॉम्प्लिकेशंस डॉक्टर ने उन तक पहुंचाए थे कि अगर बच्चा आ गया तो वो अपनी अक्षु को भी खुद से जूझ जाते हुए देख सकते हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार ये दो ट्रैक जो हमें साइमल्टेनियसली चलते देखने को मिलने वाले ये रिश्ता क्या कहलाता है, आखिरकार इसका आउटपुट और रिजल्ट क्या निकलता है, कौन सा ट्रैक एक दूसरे से जीत पाता है, जानने के लिए रिश्ता क्या कहलाता है देखते रहिए अभीरा का प्रेगनेंसी वाला ट्रैक। काफी इंटरेस्टिंग और काफी नए ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर आएगा, उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिए। टेलीवॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।